हरे कृष्णा, हमें बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि आपने ये तो बताया कि पूर्ण शरणागति से भय को जीत सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण शरणागति होगा कैसे ये नहीं बताया। इसलिए हमने ये भाग दो बनाया है जिसमें हम चर्चा करेंगे हमारे शास्त्र आचार्य और श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव, उन्होंने क्या कहा है, क्या उपाय दिया है पूर्ण शरणागति का। लेकिन इस बार भी चर्चा शुरू करने से पहले एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी भी महाराज परीक्षित का ही है। जब वो अपने माँ उत्तरा के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था गर्भ को नष्ट करने के लिए। माता उत्तरा भयभीत होकर रोते हुए भगवान श्री कृष्ण के शरण में आते हैं और अपने गर्भ के बालक को रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन, भीम सब महारथी वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र को काटने का शक्ति किसी के पास नहीं, ब्रह्मास्त्र अमोघ है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर देते हैं और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र बालक परीक्षित का एक बाल भी बांका नहीं कर पाता। भगवान प्रकृति के नियम को भी बदल देते हैं अपने शरणागत भक्त को सुरक्षा देने के लिए। ऐसे हैं भगवान श्रीहरि, वो हमें हर तरह के भय से मुक्ति दे सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के भय से भी। भगवान श्री कृष्ण हमारे एकमात्र बंधु और शुभचिंतक हैं। उन्होंने भगवद गीता में कहा है, पंचम अध्याय 29वां श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जब कोई इंसान ये जान लेता है कि भगवान ही हमारे एकमात्र हितकांक्षी और अच्छा चाहने वाले बंधु हैं और वो इस समस्त जगत के स्वामी और एकमात्र उपभोगकारी हैं, वो इस जगत के दुखों से निकल के परम शांति को प्राप्त होता है। हम यहाँ जगत में हमारे काफ़ी सारे दोस्त बना लेते हैं, लेकिन ये सब अस्थाई हैं। जब हमारा सही समय रहता है तो सब मित्र हो जाते हैं, और जब हमारा समय खराब आता है तो वही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, काले मित्र अकाले अपर। और मृत्यु के समय हमारा कोई भी दोस्त हमारा कुछ भी काम नहीं आता। यही सच्चाई है इस दुनिया का और यहाँ के रिश्तों का। हमारा एकमात्र स्थायी संबंध भगवान के साथ है जो कभी नहीं टूटता, लेकिन हम इसे नहीं समझ पाते और हमारे मन को हमेशा हमारे शरीर और अस्थायी संबंधों में लगा के रखते हैं। हमेशा सोचते रहते हैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं कि मेरे और मेरे अपनों के इंद्रिय तृप्ति में बाधा ना आए, और फिर उस धन को चोर से, सरकार से, अपने संबंधियों से बचा कर रखने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। हम लोग ये कभी नहीं समझ पाते कि हम कितना भी प्रयास कर लें, आखिर में होना वही है जो नियति ने हमारे लिए सोचा हुआ है, और नियति जो है वो भगवान श्री कृष्ण के इंगित में कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिना भगवान के मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। गीता में भगवान कहते हैं इस बात को, 13वें अध्याय श्लोक संख्या 23 में, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। ईश्वर परमात्मा के रूप में हमारे शरीर में है, वो परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। अब हम लौटते हैं हमारे कहानी में। महाराज परीक्षित का जन्म होता है और वो बड़े होने लगते हैं, लेकिन तब तक भगवान श्री कृष्ण अपना लीला समाप्त करके इस धराधाम को छोड़ के जा चुके होते हैं। परीक्षित महाराज जिसे भी देखते हैं तो परीक्षा करने लगते हैं अपने मन में कि ये व्यक्ति वही तो नहीं जो मुझे गर्भ में दिखा था, जिसने मेरा रक्षा किया था ब्रह्मास्त्र से, क्योंकि वो हर व्यक्ति को ऐसे ही देखते थे तो उनका नाम भी पड़ा परीक्षित। उनका मन हमेशा भगवान को ही ढूंढता था। हमें भी अपने मन को विषय वासना से निकाल के भगवान के चरण कमल में लगाना पड़ेगा। कोई प्रश्न कर सकता है, लेकिन इसके लिए तो ध्यान, जप, तप कितना कुछ करना पड़ता है, और आजकल हम भला ये सब कैसे कर सकते हैं, ये असंभव है। जैसे कि हमने पहले बताया कि भगवान सभी जीव के एकमात्र बंधु हैं, और इसीलिए उन्होंने कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, और उन्होंने बहुत ही सहज उपाय दिया कि कैसे हम इस घोर कलयुग में भी भगवान को पा सकते हैं और हमेशा के लिए जन्म मृत्यु चक्र से निकल सकते हैं। वो उपाय है भगवान का दिव्य नाम। भगवान अपने नाम अवतार में कलयुग में आए हैं,
भगवान का दिव्य नाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। अन्य युगों में जो फल हजारों वर्षों के ध्यान तप आदि से मिलता था, इस कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम लेने से वही फल प्राप्ति हो जाता है। और भगवान का नाम लेने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, हर कोई भगवान का नाम ले सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी तो प्रभुपाद कहते थे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो लोग हमारे शास्त्र और आचार्य महाजन ने ये जो मार्ग दिखाया है उसे ग्रहण करते हैं और हमेशा के लिए इस सर्वभक्षणकारी भय से मुक्ति पा लेते हैं। हरे कृष्णा। शरणागति का प्रसंग तो बहुत बड़ा है, हमने तो बस एक मुख्य उपाय का नाम मात्र जिक्र किया है। इसमें अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत जल्द एक और वीडियो को लेके हम आएंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।